अगर आप हमारी सलाह से यहाँ से छुट्टी लेके जा रहे हो ना, तो इस चीज की गारंटी है जब आप यहाँ से जाओगे आपको कोई तरह किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी, अगर हमारी सलाह से चलोगे। अगर आपने मन मर्जियां करनी है वो अलग चीज है, तो आपको तकलीफ तो कोई नहीं हो रही। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आप दोबारा नशे पे जब भी लगोगे ना, उसका एक कारण होता है, पहला पैग का लालच, पहला पैग, पहला कश, पहला सूटा, पहला इंजेक्शन, यही होता है ना। बस आज आज एक बार सिर्फ एक पैग, ये लालच आपको दोबारा घेरेगा, है ना। अब इतने दिन छोड़ा है, चलो एक पैग पीने में क्या हर्ज है, एक सुट्टा लगाने में क्या हर्ज है, एक इंजेक्शन में क्या हर्ज है, एक लाइन लगा लेता हूं। सो जो पहला एक का लालच है ना, ये आपको डुबोएगा। अगर आप पहले के लालच को छोड़ना सीख लो कि पहला पैग है ना, इसको मैंने पोस्टपोन कर देना है, आज नहीं कल। आपका मन कर रहा है चले यार एक पैग पी ले, आप कह रहे हो आज नहीं कल। अगर आप इसको टालना सीख लो, बात ही बन जाए। देखो एक चीज, एक एग्जांपल बड़ी मशहूर है इस केस में, जब कोई आदमी ट्रेन के नीचे आता है ना, तो मर तो वो तभी जाता है जब उसके ऊपर से पहला टायर निकल गया, बाकी ट्रेन का तो नाम लग जाता है। आपको जब भी घेरेगा आपका पहला पैग, पहला सुट्टा, पहला इंजेक्शन, पहला क्रश, ये लालच आपको दोबारा घेरेगा। सो अगर आपने पहले से बचने का तरीका खोज लिया तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। आपने जो को मन में कहा था ना, एक पैग लगाना है बस, अगर आप इस लालच को डील करना सीख गए, इसको पोस्टपोन करना सीख गए, फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो अभिमन्यु की कहानी सुनी है ना, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता है लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। जब आप यहां से जाओगे आपको नशे से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब उसके अंदर जाना या ना जाना आपकी मर्जी, आपको आता है अंदर जाना, हर आदमी कर सकता है, लेकिन बाहर आना आपको नहीं आता, फिर आपको हॉस्पिटल आना पड़ता है दोबारा। सो समझ आ रही है मेरी बात? सो जो एक का लालच अगर आपने टालना सीख लिया, आपने इसको पोस्टपोन करना सीख लिया कि यार कल को देखेंगे, आज नहीं पीनी कल को देखेंगे, तो आपका जो टाइम बीतता जाएगा और धीरे धीरे रिकवरी बढ़ती जाएगी। एक चीज याद रखना, नशे को छोड़ना मुश्किल नहीं है, नशे को छोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप छोड़ ही चुके हो, आपने कई बार छोड़ा भी होगा, कुछ कुछ थोड़े दिन कामयाब भी रहते हैं, कभी 3 महीने कामयाब हुए, कभी 6। छोड़ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। असली गेम तो ना नशे को छोड़ कर रखना मुश्किल है, रिकवरी इज रियल गेम। नशे को छोड़ना तो आपने छोड़ ही दिया, अब अंदर आए हो तो छूट ही गया, असली गेम तो इसको लंबे वक्त तक छोड़ कर रखना। सो दैट इज रिकवरी, और उसका जो मेन टूल है जस्ट फॉर टुडे। क्लियर हो रही है बात? तो आप इसको टालना सीखते हो। अब देखो ये चीज क्या होती है, देखो हर आदमी की ना एक सीमा होती है। मेरे पास एक ऐसा मरीज आया अल्कोहलिक, वो बार बार इलाज हुआ, फिर प्रॉब्लम आ जाती थी, फिर आ जाती थी। तो मैंने ऐसे ही सिखाया हुआ था उसको जस्ट फॉर टुडे, और AA में भी वो बात सीखी उसने। तो हुआ क्या, वो कहता सर जब मैंने ये टेक्निक सुनी ना कि एक दिन नशा नहीं करना, कहता शुरू में तो मुझे एक दिन भी बड़ा लंबा लगता था, मुझे लगता था एक दिन कब बीतेगा, कहता मुझे तो लगता था एक दिन में मेरी जान ही निकल जानी। शुरुआत ऐसी होती है ना, बंदे को बड़ा मुश्किल लगता है। तो कहता मैंने क्या शुरू किया, तो शुरुआत कैसे हुई, कहता मेरे लिए तो एक दिन मुश्किल था, तो कहता मैंने घंटों में बांट लिया, दिन को भी टुकड़े कर दिए मैंने। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपने आप से कहा कि यार पहले तू नहा ले धो ले, 10 बजने दे, पूजा पाठ कर ले, फिर मन करेगा तो फिर पी लेना। कहता 10 बजे का पहला टारगेट ये था, खाना खा के फिर सोचूंगा पीनी है कि नहीं पीनी। कहता जैसे मैं 6 बजे उठा, 10 बजे मैंने आराम से सैर की, नहाया धोया, जो भी पूजा पाठ की, 10 बज गए, रोटी खाई, फ्री हुआ, फिर मैंने सोचा, कहना यार कमाल कर दी वैसे आज तूने 10 बजा दिए, नहीं तो 6 बजे शुरू हो जाता था। कहता मैं, कहते 10 बज गए तो मैंने अपने आप को शाबाशी दी, कहता यार आज तो तूने 10 बजा दिए, कहता यार थोड़ा सा और चेक करते हैं अपने आप को। कहता मैंने अपने आप को कहा कोई नहीं यार 1 बजे तक वेट करते हैं, दोपहर का खाना खा के मन किया तो पी लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कहता धीरे, बड़ा मुश्किल था, टीवी देखता रहा, इधर उधर करके अपना मन बहलाया, और कर करके 1 बज गया, मैंने खाना खाया।
खाना खाने के बाद मैंने फिर अपने आप को हल्ला शेरी दी, कहता यार कमाल है तू तो कर गया बस। कहता आधा से ज्यादा दिन बीत गया तेरा, एक बज गया, 12 बजे तक आधा दिन हो जाता है, आधे से ज्यादा हो गया। तो कहना मैंने आपको अपने आप को कहा, कहता यार पी लेंगे कोई नहीं चाय के बाद, 4 बजे तक वेट करता हूँ मैं अपने आप पे कंट्रोल करके देखता हूँ कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा। कहता यकीन मानिए सर, कहता 4 बजे तक मैंने बिताया, चाय पी, कहता शाम हो गया ना, कहता पीऊंगा जरूर, रात के बाद देखूंगा, खाना खाने के बाद फिर देखूंगा। और क्या हुआ सर, कहता रात हुई, खाना खाया, मैंने भगवान का शुक्र किया, कहता थैंक यू, आज का दिन तूने मुझे हिम्मत दी कि मैंने वो जंग जीत ली, मैंने नशे को बेवकूफ बना दिया। और कहता ऐसे ऐसे करके मेरा एक हफ्ता बीता सर, बड़ा मुश्किल था, बार बार थॉट आते थे, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अगर मैं एक हफ्ता काट सकता हूं तो मैं एक महीना भी बना लूंगा। कहता फिर वो आपका डायलॉग था ना, एक हफ्ता काट सकता वो एक महीना भी कर सकता, एक महीना कर सकता, धीरे धीरे कहता एक हफ्ता हुआ, एक हफ्ते से मैंने कहा एक महीना तो कर ही लेना कंप्लीट एक एक करके। कहता जब एक महीना हुआ, अगर एक महीना में काट गया तो मैं अगला भी कर ही लूंगा। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। कहता जी 1.5 साल मैंने हाथ नहीं लगाया। कहता 1.5 साल के बाद एक घटना ऐसी हुई, कहता उस दिन मेरा दिमाग डोल गया। हुआ क्या, कहता मैं दिल्ली गया हुआ था, और दिल्ली गया हुआ था कहता वहां पे जाके मेरे पास पैसे भी थे, घर वाले भी कोई नहीं थे, दिमाग की चक्की घूम गई। दिमाग तो अल्कोहलिक वाला ही है ना, जब कोई देखने वाला नहीं, पैसे भी हैं, तो दिमाग ने कहा कि यार पहले भी तू यहां पीता ही था, जब आता था हर बार पीता था, तो कहता यार आज भी लगा ही ले। कहता पर मैंने कहा कि कोई नहीं यार, 1.5 साल की रिकवरी ऐसे एक दिन में वेस्ट नहीं कर सकता। कहता मैंने अपने आप को कहा कोई नहीं पिएंगे, बैठ जा बस में, अम्बाले वो आता है ना ठेका, वहां बस रुकती है, वहां देखूंगा, वहां से खरीदूंगा। कहता अम्बाला करनाल ऐसे टारगेट देता रहा, करनाल आता के पहले कुरुक्षेत्र, कहता ऐसे ऐसे टारगेट देता रहा, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला। और कहता जैसे अम्बाला आया, अम्बाला गुजरा, मैंने अपने आप को शाबाशी दी यार तू कर गया। कहता फिर मैंने कहा जलंधर, कहता जैसे जलंधर से बैठा मैं, मैंने साथ के साथ अपने दोस्त को फोन किया यार आज विकेट गिरने वाली है मेरी। वो कहते जैसे मैं कपूरथला पहुंचा, कहता उसने साथ के साथ आगे बस स्टैंड पे खड़ा था, शाबाशी दी, कहते चले यार आज पार्टी करते, आइसक्रीम उसक्रीम खाई, अच्छे से एंजॉय किया। कहता बड़ी खुशी हुई कि यार मैंने आज भी धोखा दे दिया अपने मन को। पॉइंट समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? सो जब भी देखो, जब भी दिमाग में ऐसे थॉट आए तो अपने आप को टालना सीखो, नशे को पोस्टपोन करना सीखो। अपनी कहते हैं ना सियाने, कोई अच्छा थॉट आए तो उसको तुरंत कर दो, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मन बदल जाता है। और जब कोई माड़ा थॉट आए तो अपने आप को वक्त दो, कोई नहीं कर लेंगे, थोड़ा टाइम दो। सो ऐसे ही ये टेक्निक काम करती है।